ओनली कोल्ड ड्रिंक थैंक यू। आपने हमें। वही तो ऑर्डर किया था ना, कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर किया है ना आपने, तो एक बार चेक कीजिए आपका ऑर्डर, देखिए मिरिंडा पेट बॉटल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं, अभी अच्छा हैं। जैसे कि आज है फ्राइडे, घर से निकला मैं तो थोड़ा लेट हो गया लॉगिन करने को। आज देखेंगे जो कि आज कितनी अपनी अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल डलाते। वैसे तो सोचा था कि फ्राइडे को छुट्टी ले लेंगे बोल के, मगर क्या फ़ायदा घर पे बैठ के। भाई घर पे थोड़े काम आ रहे थे, सोचा कि थोड़ा बियर्ड वगैरह सेट करा लेंगे और हेयर वगैरह थोड़ा कट करा लेंगे। तो मैं फिर सोचा चलो भाई मंडे को छुट्टी ले तूँ मैं अब, तो आज फ्राइडे को छुट्टी नहीं लिया मैं। तो अपना पूरा वीडियो लास्ट देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अपना मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पुराने भी है निकल करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। 230 का डालो, तो भाई पेट्रोल तो डरा लिए अपन 230 का। आज अभी एक भी ऑर्डर नहीं करे अपन, जाएंगे देखेंगे जो कि ऑर्डर गिरता नहीं गिरता। देखिए अपना पूरा वीडियो लास्ट तक भाई। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो भाई बैच ऑर्डर डाला आपने को लक्की से, समाजी गुड़े पे हूँ मैं। तो बैच ऑर्डर में क्या है यहाँ पे, ग्रिल चिकन है एक में और एक में मटन बिरयानी। टाइम देखिए 3 बजने को आए, एक ऑर्डर में करा अब तलक, जुमे का दिन था बोल के थोड़ा लेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी मटन है देखो, और एक हाफ ग्रिल चिकन है इसमें। आज मैं सोचा कि छुट्टी मार लूँ बोल के, कहीं को बोले तो वैसे भी लेट हो गया आपने को तो, लेकिन फिर सोचा भाई जान दो छुट्टी क्या करेंगे, क्या फ़ायदा छुट्टी करके, घर पे बैठ के कुछ फ़ायदा है? जो भी होगा 3 बजे से 2:30 बजे से मार लेंगे बोल के बैग लेके निकला था मैं। तो देखेंगे कितनी अपनी अर्निंग होती लास्ट तक, एक 800 रुपये का टारगेट होता या फिर वही 400 रुपये का मार के 175 कर लेके जाना पड़ता, देखेंगे क्या होता। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और देखिए गाड़ी चली हुई है 3412, पेट्रोल तो आप देख ही लिए, दला लिया हमें पहले ही। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू 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 थैंक यू। तो भाई ऑर्डर करते करते देखिए 10:15 बज गए, और मेरे को ये पिज़्ज़ा हट है रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पे ना, वहाँ से ऑर्डर डाला मिरिंडा का, जो कि मिरिंडा अवेलेबल नहीं था। तो कस्टमर को फ़ोन करा तो कस्टमर बोले 7 अप ला लो, 750 ml का, 500 ml का। तो पिकअप तो कर लिया मैं, पिकअप करे बाद देख रहा हूँ तो कहाँ लेके जाना है मालूम है। ये ऑर्डर देखिए आप ना, बोईगुड़ा लेके जाना है, ये आधा लीटर पेप्सी है 7 अप, देखो सिकंदराबाद के पास, बिल्कुल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाजू। तो पिकअप कर लिया अपन ऑर्डर ये, और भाई क्या बोलूँ मतलब था, चलो उन्होंने मंगाए कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी कहाँ से मंगाए देखो, पिज़्ज़ा हट से मंगा रहे हैं देखो भाई, इंस्टा मार्ट है और भी स्टोर है। चलो किराने की दुकान को उतर के जाने को नहीं हो रहा नीचे, या कुछ भी घर से बाहर निकलने को नहीं हो रहा, तो इंस्टा मार्ट से मंगा लेते थे। अब जितने पैसे से या पिज़्ज़ा हट से मंगाए होंगे इन्हों, उतने पैसे में 2 लीटर आता। चलो बहरहाल अपने को क्या करना है, मैं तो रिजेक्ट नहीं मारा। इससे पहले भी जो है कि 2-3 ऑर्डर दे दे के आया मैं, कुकट पल्ली एक, एक मादापुर, और इसमें जो है कि लंबे लंबे ऑर्डर दे रहा था। अब ये भी एक लंबे ऑर्डर है, देखिए अब तक बता दे रहा मैं आप लोगों को मेरी कितनी अर्निंग हुई बोल के, 717 रुपये अर्निंग हो गई, जो कि ये ऑर्डर मारे तो आई थिंक हो जाता 800 रुपीज़ अर्निंग हो जाती। और 10 बज गए देखे आप ना जो है कि अब गाड़ी भी अपनी चल चुकी है 90 किलोमीटर्स। तो चलिए भाई ये दे के आएंगे ये ऑर्डर। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ओनली कोल्ड ड्रिंक थैंक यू। आपने वही तो ऑर्डर किया था ना, कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर किया है ना आपने, तो एक बार चेक कीजिए आपका ऑर्डर, देखिए मिरिंडा पेट बॉटल। मैं वही कंफ्यूजन था मुझे, इसलिए मैंने आपको कॉल भी किया था। हाँ वो तो ठीक है, फिर कितने चार्जेस आपने लिए इसके? मैंने कुछ भी नहीं लिया है मैम, मतलब टोटल कितने हैं? 173 नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया है चार्जेस, आपने जो पे किया है वो स्विगी को पे किया है ना मैम? हाँ हाँ मैं उसी
का बोल रही हूँ आपको, पहले नहीं हो रहा है। देखिए आइटम्स में सिर्फ मिरिंडा पेट बॉटल्स है बस 57 रुपीज़ का। वही तो मैं भी कन्फ्यूजन था। देखिए आपने 173 रुपीज़ पे किया है। हमने एक और भी पहले 100 के नूडल्स किए थे ना, फिर इसका करके टोटल आया था 173। हाँ तो अब वो जो 100 का जो इन्होंने ऑर्डर पैक करने के चार्जेस 35 डाले हैं। इसमें क्या पैक करना था कोल्ड ड्रिंक में, और डिलीवरी पार्टनर फीस 76। हाँ मैं बहुत दूर से लाया हूँ, बंजारा हिल से लाया हूँ, 76 रुपीज़ लिए हैं आपसे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये चार्ज ये डाल डाल के मतलब एक कोल्ड ड्रिंक हमें 200 में पड़ती है। तो वही तो मैम, आपने मिरिंडा पेट बॉटल्स क्यों ऑर्डर किया आपने सिर्फ? हमने एक और भी चीज़ मेरे को लगता है ऑर्डर किया था, नूडल्स किए थे ऑर्डर, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक दोनों चीज़ें। नूडल्स तो पिज्ज़ा हट पे नहीं मिलता है ना मैम, पिज्ज़ा हट से आपने ऑर्डर किया है ना? हाँ वो तो आप ज़्यादा ही दूर से आए हो ना, इसीलिए चार्जेस। पिज़्ज़ा हट पे नूडल्स नहीं मिलता है मैडम, आपने नूडल्स उसमें कार्ट में ऐड भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपने पेट बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए थे। वो मैंने किया था ऑर्डर, वो ऐड किया था कार्ट में, फिर मैंने उसके बाद कैंसिल भी किया था ऑर्डर, तो वो कह रहे थे पता नहीं वो अच्छा वो जो आपने नूडल्स ऑर्डर किया होगा। नहीं वो नहीं, इसके बाद अभी ये कोल्ड ड्रिंक वाला ऑर्डर मैंने कैंसिल किया। अच्छा तो उसका कैंसिलेशन फीस इसमें ऐड करके आपको दे दिया है, कैंसिल किया था ना आपने ऑर्डर? नहीं किया मैंने, मतलब ये वाला ऑर्डर, ये होने के बाद आपका ऑर्डर पिक करने के एक मिनट बाद ये वाला कोल्ड ड्रिंक वाला ऑर्डर मैंने कैंसिल किया था, लेकिन वो कह रहे थे उसके लिए भी वो फी लेते हैं। हाँ कैंसिलेशन फीस मतलब वो अभी वो रिफंड नहीं दे रहा है कैंसिल में, कुछ भी रिफंड नहीं आता है कस्टमर को। टोटल अमाउंट ऑफ जो रहता है पेमेंट का वो पूरा जो है कि कट जाता है, नेक्स्ट ऑर्डर में पूरा ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा वो। लेकिन मेरे को 173 टोटल तब भी आया था जब मैंने वो भी कार्ट में ऐड किया ना, नूडल्स कोल्ड ड्रिंक करके आ रहा था 173। अब मेरा मुझे तो बस इसमें आपकी क्या गलती है। थैंक यू मैम। तो भाई अब मेरे को भी मसला समझ में नहीं आया, आप लोग सुने जो है कि ये डिलीवर मार्क कर दे रहा हूँ, अभी बतला रहा हूँ आप लोगों को, गुड जॉब बोल रहा। देखो इन्हें अपने 800 तो हो गए, ये ऑर्डर को मिले 97 रुपीज़, 814 रुपये, देखेंगे टिप है क्या इसमें। अरे यार इसमें 20 रुपये टिप है, अभी भी मेरे को एक 3 रुपये बाकी है देखो 800 रुपये की अर्निंग में। अब क्या हुआ अब अपना समझिए, मेरे ख्याल से इन्हों मैडम क्या बोल रहे हैं कि इन्हों साथ में नूडल्स भी ऑर्डर करे थे, उसका कैंसिल हुआ, सो फीस जो है कि वो नूडल्स का शायद ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया होगा इन्होंने, तो वो कैंसिलेशन फ़ीस भी उसमें ऐड कर दिया। मगर ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैं ऑर्डर लाया और दे रहा हूँ इनको, तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मैंने और भी ऑर्डर किया था, मतलब कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अलावा और भी कुछ ऑर्डर किए थे। अब उनको कार्ट में मैंने बताया भी कि देखो भाई इसमें सिर्फ आपने एक आइटम है कोल्ड ड्रिंक्स का, वही आपने ऐड किया हुआ है। और मैं आप लोगों को पिकअप करे वक्त क्या बोला था, इतनी दूर से खाली एक थम्सअप या कोल्ड ड्रिंक के वास्ते कहीं कोई तो भी मंगाएंगे, और वो भी पिज़्ज़ा हट से, मेरे को बात हज़म नहीं हो रही थी। इन्हों शायद कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा इनको, या इन्हों नूडल्स सर्च कर रहे होंगे, फिर जब इन्हों देखे कि कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ऑर्डर कर लेती हूँ कहीं और से। तो क्या होता है जब अपन समझो एक रेस्टोरेंट से नूडल्स कार्ट में ऐड कर लिया और फिर दूसरे रेस्टोरेंट से कोई आइटम ऐड करते तो वो कार्ट क्लियर हो जाता ऑटोमेटिक, तो इन्होंने वो बात पे गौर नहीं किया होगा। और वो जब पिज़्ज़ा हट वाले पे क्लिक करके पेप्सी मिरिंडा पेट बॉटल ऐड किए होंगे, तो क्या हुआ होगा जो कार्ट होगा नूडल्स का वो क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हुए बाद इनको इन्होंने गौर नहीं किया होगा कितना अमाउंट हो रहा है क्या हो रहा है, बस डायरेक्ट जो है कि एड्रेस पे पेमेंट करके और वो कर दिया होगा। तो देखो भाई एक कोल्ड ड्रिंक 500 ml की, नुकसान तो हुआ भाई कस्टमर का, मेरे को भी अफसोस हो रहा बहुत, मैं भी सोच रहा था भाई इतनी दूर से कहीं को। देखो 173 रुपीज़ की भाई एक कोल्ड ड्रिंक 500 ml की इन्हों मंगाए, अब क्या हुआ मसला मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या बोल रहे थे नूडल्स का क्या जो भी था आप लोगों के सामने था, अपना क्या है अपना बस ला के देना है डिलीवरी करना है कस्टमर को,
जो भी कुछ भी ऑर्डर करे लीगल आइटम अपन ला के डिलीवर कर ले सकते हैं। अब देखो मेरे को ये ऑर्डर मारे बाद जो है कि अपनी अर्निंग 814 रुपये हुई है, जिसमें 20 रुपये टिप है। अभी भी जो है कि 6 रुपये होना है मेरे को 800 के टारगेट में, वो एक 6 रुपये के वास्ते मेरे को एक ऑर्डर और मारना पड़ता। और रात के बज गए हैं 10:15, 162। तो भाई रात के बज गए 10:30 और ये लास्ट ऑर्डर आज का डिलीवर करे बस, सीधा ड्यूटी स्टॉप कर देंगे अपन, 800 का टारगेट हो जाता अपना। और अपनी लॉगिन हिस्ट्री भी हो गई 10 घंटे की, 839 रुपीस अपनी अर्निंग होगी, जिसमें 300 इंसेंटिव आ जाते तो 1239 और कुछ पेट्रोल प्राइस इंसेंटिव भी आ जाता अपने को। तो हो गया काम अपना आज का बस से, गाड़ी चल चुकी पूरे 3500। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, अपना देखे पूरे दिन की अर्निंग बतला दिया मैं आप लोगों को, हर एक चीज़ जो भी था भाई व्लॉग में बतला दिया हमें, पूरे दिन की अर्निंग भाई एक 800 हो गई अपना देखे, 300 रुपये इंसेंटिव आ जाते। और देखे भाई आप लोगों की जो हुआ सो हो जाता कभी कभी बाई मिस्टेक लिए, अब देखो वो 200 रुपये की गोल्ड रिंग है, उसको अगर अच्छा चस्का लगा के पीना बोलो तो बहरहाल भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि भाई क्या हुआ होगा कि उन्होंने 173 रुपीज़ की उसकी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही एक हो गई बोल के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। भाई मेक श्योर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, पुराने भी है नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिलते हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, वसलाम। लैटिना है ना यार पुरानी वाली, हाँ सही जुगाड़ है। देखो ऐसा सीट का जुगाड़ अपन भी लगा लेंगे क्या, पीछे अच्छा बैक रेस्ट मिलते रहता और पीछे की सीट पे बैग रख लेंगे सुकून से, जो है कि 12 घंटे नहीं 10-4 दिन कंटिन्यू गाड़ी चला ले सकते, सो भी सकते इस पर ही जैसा बैठ के। सही है भाई।